गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोगों को चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम एक केमिस्ट्री का बेस है, रीड है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक क्या देखे, जो सबसे पहली बात है, जो कौन ऐसा स्पेसीज है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, जो 100% डिसोसिएट ना हो, और 100% डिसोसिएट ना हो ये कैसे पता करेंगे, तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यदि 1 से कम हो तो समझेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 के बराबर हो तो समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे बहुत ही इम्पोर्टेंस बात, आपको वीडियो को 2-3 बार देखना है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो बात बताने जा रहे हैं शायद आपको कहीं ना बताया जा रहा हो, आप देखेंगे और जगह भी सर्च कर करके इसके बारे में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट बात बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम शुरुआत करें आसानी से, जो आप जानते हैं उसी को आधार लेकर के। तो कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड, यानी कौन सा एसिड का पीएच बात करने जा रहे हैं, वीक एसिड का। और इससे पिछले क्लास हम क्या समझाए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो जैसे ही अब आपको पीएच कहा जाए तो आप सबसे पहले बारीकी से देखें जो कौन सा एसिड का पीएच है, ये वीक एसिड का है या स्ट्रॉन्ग एसिड का। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच हो तो आपको एक पॉइंट दिए हुए हैं, यदि 10^-6 मोल पर लीटर से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो उसमें वाटर का H+ कंसीडर नहीं किया जाएगा, और यदि 10^-7 के बराबर या उससे कम हो, या उससे कम हो तो वाटर का H+ कंसीडर किया जाएगा पीएच कैलकुलेशन के दौरान। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है, जो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वीक एसिड। तो जैसे ही वीक एसिड होगा तो वे तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के रूप में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां इक्विलिब्रियम का कोई बात नहीं होगा। तो यहां पे हम कंसीडर किए हैं, माने हैं, जो लेट अस कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड या मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब वैसा एसिड जो सिर्फ एक H+ दे सकता हो, जो कि HX, इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा एंड मोलरिटी कहें या कंसंट्रेशन इक्वल टू C। तो हम जानते हैं HX जब वीक एसिड है तो डिसोसिएट करेगा, और ये डिसोसिएशन जो होगा रिवर्सिबल होगा, एक्वस। जब भी हम पीएच का बात करें तो सॉल्यूशन एक्वस होना चाहिए। तो H+ ये एक्वस और X- एक्वस, समझा दिए हुए हैं। जो H+ जो है किस रूप में, ये H3O+ के रूप में एग्जिस्ट करता है। वास्तव में H+ जो है वे नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इनिशियल हम क्या लिखते थे, C पहले जैसा, ये जीरो। अब डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा चेंज, तो सी अल्फा। अब ये कैसे सी अल्फा है, ये पहले वाला वीडियो लेक्चर सब आप देखेंगे तो पता चलेगा। और ये प्लस सी अल्फा, ये प्लस सी अल्फा। अब हम कहां पहुंच गए, तो
तो एट इक्विलिब्रियम पे कहां पहुंच गए, तो एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम सी सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, के ए लिख सकते हैं ना, के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के ए यदि लिखेंगे तो एच प्लस का कंसंट्रेशन और एक्स माइनस का कंसंट्रेशन, एच एक्स का कंसंट्रेशन, एच प्लस का कंसंट्रेशन देख लीजिए सी अल्फा, एच माइनस का भी सी अल्फा, और ये सी वन माइनस अल्फा, ये कैंसिल हो गया सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। अब यदि हम इसमें एक कंडीशन समझाए थे जो इफ इफ अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन, अल्फा बहुत ही छोटा हो तो वन माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू वन, और जब वन माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू वन हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा बराबर क्या कह सकते हैं, तो रूट अंडर के ए बाय सी। अब फिर हमको क्या पॉइंट करना है, पीएच, और पीएच जैसे ही कहा जाए आपको तो आपको एक ही बात दिमाग में याद रखना है, जो पीएच कैलकुलेशन के लिए हमको एच प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, पीएच कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, एच प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। तो एच प्लस कंसंट्रेशन यदि हम आप लोग नीचे लिखेंगे, ये नहीं जो ऐसे ही छोटा छोटा करके, एट इक्विलिब्रियम क्या देख रहे हैं, जो एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, तो एच प्लस कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो पीएच निकल जाएगा। सी अल्फा न लिख करके दूसरा फॉर्म क्या कह सकते हैं, रूट अंडर के ए इंटू सी, कैसे ला लिए, क्योंकि अल्फा का वैल्यू रखेंगे और ये कैसे आता है ये आपको हम दिखा दिए हैं। तो जैसे ही हमको वीक एसिड कहा जाए, वीक एसिड का पीएच कहा जाए, तो एच प्लस कंसंट्रेशन के लिए ये फार्मूला या ये फार्मूला जनरली यूज करते हैं, और इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, निकालते हैं पीएच। तो पहले इसको पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए, हम आगे लिखते हैं कुछ। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ के ए, यूजिंग द वैल्यू ऑफ के ए एंड सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, एच प्लस कैन बी कैलकुलेटेड, एंड जैसे ही एच प्लस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। हम आपको एक पीएच का डायरेक्ट फार्मूला बात कर रहे हैं वीक एसिड के केस में। अभी हम देखे हैं वी सी, क्या देखे हैं, एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर के ए इंटू सी, ये बात अभी देखे। तो हम लिख सकते हैं एच प्लस कंसंट्रेशन के ए इंटू सी, उसका पावर वन बाई टू, रूट जैसे ही हटेगा ये वन बाई टू आ जाता है मैथमेटिकली, मतलब जहां पे रूट के जगह पे इतना रखते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड है, हम क्या कर रहे हैं, लॉग दोनों ही साइड ले रहे हैं। अब लॉग जब लेंगे तो लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग के ए इंटू सी वन बाई टू। अब जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन ये ज्यों का त्यों, और जैसे ही लॉग, एक रूल है लॉग ए के पावर एम, तो ऐसा यदि लिखा हुआ हो तो एम लॉग ए लिख सकते हैं,
तो उसी सिद्धांत पर हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। वन बाई टू ये इधर आ गया लॉग के ए, और यदि दूसरा रूल है, दूसरा रूल है लॉग ए इंटू बी, यदि हो ए इंटू बी हो तो लिखा जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब जहां मल्टीप्लाई हो प्लस लिखा जाता है, ये रूल है। तो प्लस फिर कहेंगे प्लस हाफ लॉग लॉग सी, क्योंकि ये हाफ तो दोनों के लिए है। अब हमको तो पहुंचना है कहां पे, पीएच पे, तो कहेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों ही साइड बाय माइनस वन, मतलब अपना मन से ये अब क्यों करते हैं आगे स्पष्ट होगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस लॉग एच प्लस, एच प्लस कंसंट्रेशन फी माइनस वन बाई टू लॉग के ए प्लस माइनस हाफ लॉग सी, ये हम मल्टीप्लाई करके ला लिए। अब इसमें आप पहचाने जो माइनस जो आप देख रहे हैं माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, क्या उसको आप पहचानते हैं, वे कहीं देखे आप? तो हम कह सकते हैं देयरफोर क्या कह सकते हैं, इतना के जगह पे पीएच कहा जाएगा, पहले से हम लोग जान रहे हैं। और फिर वन बाई टू पी के ए कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पी का मतलब ही होता है माइनस लॉग, जहां कहीं भी पी हो तो उसका मतलब हम क्या कहते हैं, माइनस लॉग। तो आप देख रहे हैं जो क्या हम किए, ये माइनस लॉग पी जहां कहीं भी होगा तो हम कह सकते हैं माइनस लॉग। तो ये माइनस लॉग के जगह पे पी, ये के जो कहते हो है, अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये तो माइनस ही रह जाएगा। हम चाहें तो इसको हाफ पी सी कर सकते हैं, लेकिन पी सी नहीं करेंगे, देखने में सुटेबल लगता है। तो एक ऐसा रिलेशन आया, फिर हम क्या कह सकते हैं पी एच, पी एच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे तो पी एच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी, यानी यही मेरा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बात तो बहुत इजी है, इसमें आप क्या कह दिए? अभी नहीं, आगे पता चलेगा, अभी तो ये शुरुआती हुआ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो जैसे ही हम लोगों को वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करना हो तो जनरली सब लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वे कैलकुलेशन गलत है, वे आगे पता चलेगा जो कैसे गलत है। पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए सवाल ले लेते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10^-6 एम सी एच थ्री सी डबल ओ एच सॉल्यूशन गिवन के इक्वल टू इतना, कहीं तो वीक लिखा ही हुआ नहीं है, कैसे हम समझ आएंगे वीक है कॉन्सेप्ट। आपको बार बार कह रहे हैं यदि किसी एसिड का के ए दे दिया गया हो तो हम समझ जाएंगे जो वे वीक एसिड है, के बी दिया गया हो तो वे वीक बेस है। इससे पिछला क्लास में आप देखेंगे, उससे पिछला क्लास यानी लेक्चर नंबर 09 में, वहां पे हम HCl का pH निकाले हैं, तो कोई वहां पे Ka का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो जब pH निकालना हो तो आपको क्या समझा रहे हैं, जो H+ का कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए, और अभी अभी हम देखे हैं जो H+ कंसंट्रेशन के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा C दिया हुआ है लेकिन अल्फा तो नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे रूट अंडर के ए इंटू सी, रूट अंडर के ए इंटू सी, के ए भी है और सी भी है, कंसंट्रेशन भी है, ये निकाल लेंगे, एक
तीसरा फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला, क्या फार्मूला है? पीएच बराबर 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। यानी इस ये फार्मूला तो हम डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे निकाल लेंगे, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो हम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, क्या करेंगे अब, तो H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो चलें सॉल्यूशन करें या आपको समझाए जो H प्लस के लिए, pH के लिए कौन सा फार्मूला। तो H प्लस कंसंट्रेशन बराबर रूट अंडर के ए इंटू सी। तो रूट अंडर के ए का वैल्यू 1.8 × 10⁻¹⁵ और c जो हो गया 10⁻¹⁶। ये हम पहले वैल्यू पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका तो सॉल्यूशन करना होगा। अब ये सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, डिफिकल्ट है? कुछ नहीं डिफिकल्ट है, मेहनत करें सब आसान हो जाएगा। -11 अब जब -11 तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जो 18 × 10⁻¹২ कर सकते हैं। और जब इतना कर सकते हैं तो अब रूट 18 का रूट कितना हो जाएगा, 4.24 इसका तो रूट हो जाएगा 4। यदि हम कितना लेते हैं, 4 × 4 = 16 आता है, 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, इसलिए इतना। और ये हो गया इतना, ये किसका वैल्यू आ गया बाबू, H प्लस कंसंट्रेशन। और जैसे ही H प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो हम pH अब निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन। तो माइनस log H प्लस के जगह पे 4.24 × 10⁻¹⁶। अब उम्मीद है जो आप क्या कर सकते हैं, लॉग का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। कुछ को लग रहा होगा सर थोड़ा करिए दीजिए, देखिए अब इस बार हम लास्ट बार, फिर आपको कहेंगे बार बार अपना देखें। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस लॉग 4.24, फिर ये बीच में तो प्लस हो जाएगा, प्लस लेकिन इसमें लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लॉग 10⁻¹⁶ आप लोग नीचे लिखेंगे। तो अब माइनस लॉग 4.24, ये माइनस 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 सॉरी प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो क्या होगा, लेकिन एक बार और लिख देते हैं, माइनस लॉग 10⁻¹⁶ माइनस लॉग 4.24। देखें अब इसको फिर हम पावर लॉग के अंदर तोड़ेंगे तो ये माइनस है, अब पहले से माइनस है तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या है, प्लस। तो प्लस 6 लॉग 10। अब फिर ये तो टेबल से देखना होगा, हम भी तो टेबल से ही देखते हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकाल लें, माइनस जो का त्यों रहेगा क्योंकि माइनस का कोई लॉग नहीं होता है। करेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0। अब क्या करेंगे, 42 के 4 में देखें, हम भी देख रहे हैं, देखिए हम भी देखते हैं। तो 42 यहाँ पे है और 4 में देखेंगे, तो 4 में जब देखेंगे तो 6 × 2 = 7 6 × 2 = 7 और ये आ जाएगा प्लस। अब इसको 6 − 0.6274। अब इतना को सबस्ट्रैक्ट कर लीजिए, सबस्ट्रैक्ट करने के बाद निश्चित रूप से कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स लिख देते हैं 5.37। यही हम लोगों का पीएच का वैल्यू आ गया। क्या सर यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, नहीं बाबू,
अभी ये तो टेलर है, आगे देखते जाइए जो क्या क्या होता है। यानी अभी तक हम निकाल लिए जो पीएच का वैल्यू इतना है, लेकिन मैं आपको कितना अच्छा से समझा रहा हूं ये बात तब आपको समझ में आएगा जब इसी टॉपिक को किसी दूसरे टीचर का क्लास देखेंगे। तब चाहे हम जो कुछ भी मैं कहता हूं ना, जो मैं बहुत अच्छा से समझाता हूं, मैं अच्छा से समझाता हूं इसलिए कहता हूं, और ये बात आपको तब पता चलेगा जब जो टॉपिक हम आपको पढ़ा दे, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, और सेम उसी टॉपिक को आप किसी दूसरे टीचर से कंपेयर करें, और तब आपको पता चलेगा। ये नहीं जो ऑर्गेनिक से फिजिकल को, फिर फिजिकल को इनऑर्गेनिक से, तब पता नहीं चलेगा। सेम टॉपिक को सेम बात यहाँ सीखना होगा, जो ये बात सही निकला कि गलत निकला, इसको हम कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। अभी तो जैसा नॉर्मली निकालते हैं सब लोग, दुनिया का सब लोग ऐसा ही निकाल करके छोड़ देता है, लेकिन ये गलत है सरासरी, ये आपको आज हम प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए। तो चलें अब यहीं से उल्टी गिनती स्टार्ट होता है। अभी जो प्रॉब्लम दिए हुए थे आप लोगों का, उसका पीएच का वैल्यू कितना मिला? 5.37। यदि हम इफ वी कैलकुलेट पीएच ऑफ 10^-6 MHCl सॉल्यूशन, यदि हम इतना MHCl सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करें, बहुत आसान है। HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि इसका के का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये H प्लस और Cl माइनस, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन 10^-6, तो पीएच यदि बात कर लें तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लॉग 10^-6, यानी पीएच का वैल्यू कितना आ गया एसिड फॉर एचसीएल। और पीएच बराबर, एकदम ठीक से समझें, यही पे प्रॉब्लम है। तो 5.3 ये किसका आ गया? फॉर CH3COOH। कुछ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एसिड है। इस दोनों में से बताइए, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब बात करेंगे तो हमेशा इनऑर्गेनिक का ज्यादा होगा और ऑर्गेनिक का कम होगा। स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब होगा जो मोर पावर टू गिव एच प्लस, और इसमें कह देंगे लेस पावर टू गिव एच प्लस। अब थोड़ा सा कंपेयर करें, हम लोग यहां से यदि कंपेयर करें तो हम ये पहले आपको सिखा दें जो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है, ये बात हम जानते हैं। अब पीएच बराबर लॉग 1/H+ कंसंट्रेशन, लॉग तो कांस्टेंट हो गया, तो जब लॉग कांस्टेंट हो गया तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा आ गया रिलेशन। अब इस रिलेशन को देखें ठीक से, पीएच एचसीएल का ज्यादा किसके अपेक्षा? एसिटिक एसिड की अपेक्षा, ऑर्गेनिक एसिड की अपेक्षा। जब पीएच इसका ज्यादा, पीएच ज्यादा तो एच प्लस कम, और जब इसका पीएच कम तो एच प्लस ज्यादा। उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम जानते हैं
जब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा H प्लस HCl के केस में होना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन तो उल्टा बता रहा है, जो HCl का pH ज्यादा है तो H प्लस कम हो जाएगा और इसका pH कम है तो इसका H प्लस ज्यादा। लोगों को यहीं पे दिमाग साइंटिस्ट को चकराने लगा जो आखिर ये क्या आ गया, क्यों ऐसा आ गया। तो यहां गड़बड़ी का एक ही कारण मिला, पहले इस बात को हम लिख लेते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसी बात को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, pH ऑफ HCl इज मोर देन दैट ऑफ CH3COOH। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, HCl contain less amount of H plus in solution that of CH3COOH. This is not correct matching for experimental observation. लेकिन ये experimental observation से नहीं मिला, यानी हम लोग जो भी बात करते हैं तो experiment को ना पहले preference देंगे, तो ये observation experimental से नहीं मिला। अब लोगों के दिमाग चकराया जो अब कहां पे गड़बड़ी हुआ, जबकि कैलकुलेशन तो मेरा सही है, जो रूल के अनुसार है, हैं सोरेनसन साहब जो स्केल दिए उसके अनुसार है। तब लोगों का नजर गया जो ये जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निगलेक्ट कर रहे हैं वीक एसिड के केस में, कहीं वहां तो गड़बड़ी नहीं है। यानी यहां जो हम लोग देखे हैं क्या देखते हैं कि ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये आपको हम निगलेट कर देते हैं और निगलेट करके कहते हैं कि ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये कह देते हैं यहां वन माइनस अल्फा इक्वल टू नियरली इक्वल टू वन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन। लोगों का ध्यान यहां गया जो कहीं इसमें ना गड़बड़ी हो रहा है, ये जो हम निगलेट कर रहे हैं कहीं निगलेट करने लायक ही ना हो और उसको हम निगलेट कर रहे हैं। तो यदि वीक एसिड हो तो यदि वीक एसिड हो या बेस भी पहले एसिड वीक एसिड हो तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि अल्फा का वैल्यू कितना है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना है, ये चेक कर लें। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हम चेक कर लेते हैं, तो निकाल लेते हैं खटाक से अल्फा। अल्फा बराबर हम लोग क्या कहेंगे, रूट अंडर के ए बाई सी, और के ए का वैल्यू हम लोगों को कितना है आपको देख लेना है 1.8 × 10⁻¹⁵, और सी का कंसंट्रेशन कितना लिए हैं तो 10⁻¹⁶। अब इतना को आप सॉल्यूशन तो कर सकते हैं, सॉल्यूशन करते रहिएगा आप। ये सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा 4.24। यहीं पे ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, जिस अल्फा को हम निगलेट कर रहे थे वे अल्फा तो 4.24 आ गया, मतलब 1 से कई गुना ज्यादा था। इसलिए ये अल्फा निगलेट होने लायक नहीं है। क्या समझे बात, ये अल्फा निगलेट होने लायक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये अल्फा ही गलत है। क्यों अल्फा गलत है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये अल्फा जो हम निकाले ये तो निगलेट वैल्यू पर निकाले और तो इतना आया, तो ये सबसे पहले अल्फा ही गलत है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। तो फिर इसको हम लिख लेते हैं अब, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट वैल्यूड, क्योंकि कैलकुलेटेड मेरा तो इतना आया है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ अल्फा गो टू वन, क्या दस जाएगा वन, बट वी ऑब्टेन 4.24। पॉइंट लिख दिए, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा वन से छोटा या वन के बराबर होगा, कभी भी वन से बड़ा नहीं होगा। तो अब आखिर कैसे अल्फा को कैलकुलेट किया जाए, तो हम लोग के बराबर देखे हैं सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, हमको के पता है सी पता है, अब अल्फा कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये बात तो समझ गया जो अल्फा को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो के ए का वैल्यू कितना है 1.810 के पावर माइनस 5, और ये कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का वैल्यू देख लीजिए 10 के पावर माइनस 6 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो ऐसा कर सकते हैं, यदि हम ऐसा कर लें, इसको रीअरेंज कर दें, तो अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 1.810 के पावर माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 10 के पावर माइनस 6। सिर्फ इसको रीअरेंज कर लिए, अब जब रीअरेंज कर लिए तब क्या होगा, अब तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ये ऊपर गया, तो 1.810 के पावर माइनस 5 और 10 के पावर ये प्लस 6 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा यानी 1.810 के पावर 1, यानी क्या मिला आप लोग नीचे नोट करेंगे, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा यानी सॉल्यूशन करके कितना 18 के बराबर आ गया। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 18 अल्फा, इतना ही लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करें, अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा, और क्या कहेंगे वे, तो 18 क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 18 इज इक्वल टू इतना। अब देखिए पहचानते हैं इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ जाए तब तो थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इस पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो देख लीजिए क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, b यही ना b है, तो ये माइनस 18 प्लस माइनस रूट अंडर 18 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 a कितना नहीं कुछ तो 1, सी कितना माइनस 18 डिवाइडेड बाय कितना 2a है, तो ये 1। अब यदि आप यहाँ पे अल्फा को सॉल्व करेंगे, अब उम्मीद है जो सॉल्व हो जाएगा, तो लगभग ये 0.95 के बराबर आ गया। देखिए जिस जहाँ पे हम गलती कर रहे थे, ये 0.95 है, हम इसको यदि राउंड ऑफ कर दें तो 5 को राउंड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, मतलब 1 के बराबर है ये, इसलिए ये निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, और यही गड़बड़ी हो रहा था। तो अब पता चल गया जो ये अल्फा का दो वैल्यू आएगा, नेगेटिव में भी आएगा और पॉजिटिव में आएगा, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा कभी निगेटिव नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए ये इतना वैल्यू हमको मिला। अब इतना वैल्यू से हम फिर सॉल्व करेंगे, पहले पॉज करके नोट कीजिए।
तो यहां पे कहेंगे कैलकुलेटेड अल्फा इच नोट निग्लेक्टेड। ये जो कैलकुलेटेड अल्फा है इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो लगभग किस कितना के बराबर है, 1 के बराबर है। तो देयरफॉर अब जो हम H प्लस कंसंट्रेशन बात करेंगे, C अल्फा, ये कंसंट्रेशन कितना हम लोगों को है, तो कंसंट्रेशन तो 10^-6 है। अल्फा कितना मिला, तो 0.95। इसको सॉल्यूशन करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो 10^-7 हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब इतना m जो आया, याद करें यदि 10^-7 से कम या उसके बराबर हो तो वाटर का H प्लस, वाटर का OH माइनस कंसीडर कर लिया जाता है कि नहीं। दिस कंसंट्रेशन लाइक टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन विच वी एक्सप्लेन अबाउट 10^-7 m। अब जाकर के वहां देख लेना होगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा, H प्लस कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल H प्लस है, टोटल ये H प्लस फ्रॉम एसिड, फ्रॉम क्या कहते हैं एसिड, और H प्लस फ्रॉम H2O। तो हमको तो H2O का H प्लस मालूम ही नहीं है, एसिड का H प्लस मालूम है। यानी ये फार्मूला जस्ट लाइक आपको किसके जैसा हो गया, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बात किए थे। तो अब यहां पे हम कह दें लेट अस कंसीडर H प्लस कंसंट्रेशन इन H2O इज इक्वल टू XM, यानी X मोल पर लीटर हम कंसीडर कर लिए। तो इन न्यूट्रल वाटर यदि देयरफॉर यहीं पे कह देते हैं OH माइनस कंसंट्रेशन भी क्या होगा XM। तो अब टोटल H प्लस यदि बात कर लें, टोटल तो H प्लस फ्रॉम एसिड इतना मिल गया 9.5 10^-7, और वाटर से कितना X ले लिए। अब हम क्या जानते हैं, KW बराबर H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। यानी ये मेन वाटर का भी H प्लस इन्वॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करें, आगे बढ़ेंगे, पहले पॉज करके नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम इसी में दिखा देते हैं आगे, KW बराबर हम जानते हैं 10^-14, और H प्लस कंसंट्रेशन इतना मिल गया 9.5 10^-7 और प्लस X, OH भी तो X है, OH भी X है। अब 10^-14 बराबर 9.5 10^-7 X और प्लस कैसा X2। अब पहचानते हैं इसको, ये क्या मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, X2 प्लस 9.5 इतना और माइनस 10^-40 = 0। फिर जैसा अभी सॉल्यूशन किए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर में वैसा ही होगा। तो x बराबर आफ्टर सॉल्यूशन x इक्वल टू 1.04 10 के पावर माइनस 8। और x मतलब क्या, एच प्लस कंसंट्रेशन, मतलब अब हमको पता चल गया एच प्लस कंसंट्रेशन कहां पे, वाटर में, वाटर में पता चला। अब हम एच प्लस टोटल यदि बात कर ले तो टोटल में क्या कहते हैं, एसिड से है, एसिड से, और एसिड से हमको कितना आया है 9.5 10 के पावर माइनस 7, और प्लस वाटर से कितना आ गया 1.04 और 10 के पावर माइनस 8। अब जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो 9.H+ टोटल जो आ जाएगा वे 9.604 10 के पावर कितना रहेगा, तो -7 m। अब देखिए यदि H प्लस पता चल जाए तो pH तो पता कर सकते हैं, तो pH बराबर माइनस log, अब एक ही बार हम खींच देते हैं, माइनस log 9.604 10 के पावर माइनस 7। अब pH का वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद 6.02 आ जाएगा। तो देखें ये एसिटिक एसिड का pH 6.02 और HCl का pH 6, तो अब यहां pH बढ़ गया, किसका, एसिटिक एसिड का pH बढ़ गया, तो H प्लस कंसंट्रेशन घट गया किसके अपेक्षा, HCl के अपेक्षा। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूफ कर लिए। तो इसमें मेन बात क्या देखिए, जो जैसे ही वीक एसिड देखेंगे, ये नहीं खटाखट जो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर के एसी उस पर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कंसस भी रहना है। इस वीडियो को आप लोग बार बार पहले देखें, इसके बाद अगला सवाल आप समझें।